नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कलयुगी पुत्रों के चलते भूखे मरने की स्थिति में पहुंचे वृद्ध दंपति ने एसपी से गुहार लगाए, जिसमें उन्होंने एक पुत्र, उनकी पत्नी व पौत्र पर हिब्बनामा लिखाकर जमीन बेच देने और पैसा भी खाते से निकाल लेने का आरोप लगाया, जिसे लेकर वह वृद्ध दंपति जिले के मौला चौकी व रौनापाड़ थाने पर 15 दिनों से चक्कर लगाते रहे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वृद्ध दंपति के बेटे बहू के साथ पौत्र के खिलाफ रौनापाड़ थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र के सहनुपुर गांव निवासी रामवृक्ष के 4 पुत्र हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। बाकी 3 पुत्र रोजी रोटी के लिए बाहर परिवार के साथ रहते हैं। विगत 15 सालों से वृद्ध दंपति की कोई पुत्र देखरेख नहीं कर रहा था। इस बीच एक पुत्र वीरेंद्र घर आया तो वृद्ध दंपति को देखरेख करने का आश्वासन देकर वृद्ध के नाम दर्ज जमीन अपने नाम हिब्बानामा के रूप में करा लिया। इसके बाद उस जमीन को 9 लाख रुपए में बेच भी दिया। पैसा रामवृक्ष के खाते में आया था, इसे फर्जीवाड़ा कर वीरेंद्र, उसकी पत्नी गायत्री और पौत्र नीति ने पैसा निकाल लिया। इसके बाद वृद्ध ने रामवृक्ष के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगी तो दंपति कभी वर बेचकर, कभी फेरी लगाकर तो कभी साइकिल का पंचर बनाकर अपना पेट पालते रहे। पैसे को लेकर कई बार वृद्ध दंपति मोहल्ला चौकी पर गए, लेकिन चौकी प्रभारी उन्हें टहलाते रहे। थाने पर शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं निकला तो वृद्ध दंपति ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर रौनापाड़ थाने की पुलिस ने वृद्ध दंपति की शिकायत के आधार पर वीरेंद्र, गायत्री व नितिन के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 127/24 धारा 406-420 के तहत दर्ज कार्रवाई कर दी है। क्या है सर, क्या है रौनापाड़ का मामला जिसमें फ्रॉड हुआ है? 75 साल के दंपति, एक यहाँ पर बुजुर्ग दंपति पुलिस ऑफिस आए, उन्होंने ये शिकायत करी कि उनके लड़के, उनकी बहू और उनके पोते ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है और 9 लाख रुपए इनके खाते से ट्रांसफ़र अपने नाम पे कर लिए। इन्होंने, इनके बेटे ने इनको लेकर गए तहसील और इनसे कहा कि वसीयत कराएंगे, और वसीयत कराने के नाम पर दान पत्र लड़के ने अपनी पत्नी के नाम करा लिया। इसके बाद वो जो ज़मीन थी उसको एक अन्य व्यक्ति उसी गांव के, उनके नाम बेच दी गई। जो पैसा आया वो बुजुर्ग दंपत्ति के अकाउंट में आया 9 लाख रुपए। 9 लाख इस बैंक अकाउंट से पोते का नंबर लिंक करा दिया गया और इस मोबाइल नंबर से 9 लाख रुपए उन लोगों ने अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए। तो ये 75 साल की बुजुर्ग दंपत्ति हैं, इनके तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 127/24 धारा 406-420 का लड़के, बहू और पोते के खिलाफ कायम किया गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।